आ चुके हैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके। मतलब आप लोगों को इतना ज्यादा कमेंट आ रहा था ना, उसी कमेंट का एक रिप्लाई देने वाले हैं। और आप लोग कौन सा गाड़ी लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, भाई गाड़ी तो खरीद लिया, गाड़ी खरीदने के बाद कौन से माल में आपको चलना चाहिए, कौन सा माल आपको सबसे ज्यादा पैसा देगा। एक कच्चा माल होता है, पक्का माल होता है। कच्चा माल मतलब सब्जी फल वेजिटेबल कुछ भी हो गया, और पक्का माल मतलब जैसे घरेलू सामान अगर हो गया, लोहा लकड़ी, सबको पक्का माल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं शुरू कर रहे हैं। और आप लोग का जो इतना जैसे कमेंट आता था भर भर के, उसका रिप्लाई थोड़ा सा दे देते हैं। अब देखिए आप लोग को सबसे ज्यादा कमेंट आता था कि गाड़ी कौन सा खरीदे, बोलेरो पिकअप एक्स्ट्रा लॉन्ग सही पड़ेगा या फिर टाटा योद्धा सही पड़ेगा। तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा गाड़ी लेना चाहिए। अगर आपको ज्यादा पहाड़ी वगैरह आपके उधर है, ठीक है, तो टाटा योद्धा ही बेस्ट है और बोलेरो भी बेस्ट है। और इसी दो गाड़ी के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, और बहुत सारी गाड़ी है जैसे अशोक लेलैंड वगैरह आता है, तो उसके बारे में हमें नहीं ज्यादा जानकारी, तो ज्यादा बात ना किया जाए तो सही है। तो ये गाड़ी ले सकते हैं, ये BS6 गाड़ी है। इसमें क्या है ना, कभी पहाड़ी पर आपको धोखा नहीं देगा, आप एक नंबर दो नंबर लगा के बोलेरो गाड़ी आराम से चढ़ जाता है। टाटा गाड़ी में क्या होता है कि हमारे मित्र लोग चलाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई चढ़ाई में दबने लगता है, जितना तेज ये चढ़ाई में चढ़ जाएगा उतना तेज टाटा योद्धा नहीं चढ़ पाता है। तो ये सब कुछ कमियां हैं, ठीक है। और चढ़ाई में टाटा गाड़ी का थोड़ा सा जैसे क्लच प्लेट अगर प्रॉब्लम आने लगता है, हालांकि भाई किसी भी गाड़ी को ज़्यादा चढ़ाएंगे या फिर गियर चेंज नहीं करेंगे, एक नंबर गाड़ी मांग रहा है, दो नंबर लगा के आप चला रहे हैं, उसमें एक्सीलेटर दबाए हुए हैं, तो क्लच प्लेट क्या होता है, मैक जाता है। बता दें ड्राइवर के ऊपर होता है कि किस तरीके से कौन सा गाड़ी चलाना है। भाई एक नंबर मांगे तो एक नंबर देना है, दो नंबर मांगे तो दो नंबर देना है। ये नहीं कि एक नंबर मांग रहा है, दो नंबर देकर जबरदस्ती आप चलाए तो क्लच प्लेट बहुत जल्दी जलता है। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई कौन से माल में चलाना चाहिए। देखिए कच्चा माल में क्या होता है ना कि बहुत भगा के मंडी देना पड़ता है, मंडी का टाइमिंग होता है। जैसे हम लोग बनारस से लोडिंग करते हैं, सेम हो चाहे मिर्चा हो, ठीक है, तो आसनसोल का 9 से 8 घंटा टाइमिंग मिलता है। आप सोच लीजिए 500 किलोमीटर बनारस से पड़ता है, 8 घंटा में आपको पहुंचाना होता है। जाम अगर लग गया तो अलग की बातें हैं, गाड़ी वाले पहुंचा रहे तो आपको भी पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भाड़ा भी अच्छा खासा आपका बच जाएगा, लेकिन रिक्सी काम है, कच्चा माल। ठीक है, रिक्सी इसलिए है, अगर आप नए हैं तो कच्चा माल में शुरुआत से ही मत चलिए, क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो सकता है, कंट्रोल नहीं कर पाइएगा तो भाई गाड़ी जाकर भिड़ जाएगी, तो ये सब समस्या होता है। अगर आप न्यू गाड़ी लिए हैं, न्यू मालिक हैं, न्यू चलाने वाले भी हैं, तो सबसे पहले लेके आप पक्का माल में चलाइए, ताकि थोड़ा सा आपको पहले एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद में कच्चा माल तो चलाना ही जिंदगी भर निकलता रहेगा कच्चा माल। ठीक है, तो पहले पैसे के पीछे मत भागिए, पहले आप रोड समझिए, पहले आप अपने हाथ को अच्छे से सेट कर लीजिए गाड़ी के ऊपर, उसके बाद ही आप कच्चा माल लोड करिए, पहले मत लोड करिएगा। आप लोग हमसे ये बोलते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टर का नंबर दे दीजिए, हमारे पास गाड़ी है, हम चलवा नहीं पा रहे। तो भाई आपके पास अगर गाड़ी है तो चलवा नहीं पा रहे, नहीं भाई हम भी लिए थे, हम भी नहीं चलवा पा रहे थे। धीरे धीरे जब रोड पे जाने लगे, बहुत लोगों से मिलने लगे, देखिए सबसे पहली बात आपको गाड़ी वालों से मिलना पड़ेगा, गाड़ी वालों से मिलना पड़ेगा, उनसे बोलना पड़ेगा, अरे भैया, बड़े भैया, छोटे भाई, जो भी रहेंगे, बात व्यवहार बनाना पड़ेगा। भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है 4RA बैड। इसके अंदर एविएटर मिल जाता है, जिसको खेल के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। 4RA बैड के अंदर जाना है, यहाँ पे सर्च करना है कैसीनो। भाई यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्लेन नीचे ना गिर जाए। फाइनली मैंने एविएटर खोल लिया है फोन में, और भाई इसमें मैंने 2000 रुपया लगा भी दिया है, तो भाई प्लेन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लो भाई कैश आउट, मैंने 6400 रुपए जीत लिया। इसको खेल के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तो इसमें हम एक बैट और लगाएंगे। तो भाई मैंने फिर से इसमें 4000 रुपए लगा दिया है, और इस बार भाई प्लेन मेरा बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। लो भाई कैश आउट, मैंने जीत लिया 12500 रुपए फिर से। तो भाई 4RA बैट में जीते हुए पैसे को आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। भाई जीते हुए पैसे इसमें बहुत आराम से निकाल सकते हो, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आराम से निकाल सकते हैं। 4RA बैट में रजिस्टर करते ही आपको 200% तक का बोनस मिल जाएगा। तो भाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके डाउनलोड करिए और पैसे कमाइए। जब आप उनका करिए तो अभी वो आपको सेटिंग बताएंगे, नहीं तो भाई वो किसी और ट्रांसपोर्टर चल रहे हैं। पहली बात तो कोई गाड़ी वाला दूसरे ट्रांसपोर्टर से जल्दी मिलवाता नहीं है, ठीक है, तो आपको उनसे मिलना पड़ेगा, बात व्यवहार बनाना पड़ेगा, तभी वो गाड़ी वाला आपको जिस ट्रांसपोर्टर से वो चलता है जाके मिलवाएगा। तो मैंने भी यही किया था, तो इसी वजह से मेरा गाड़ी आज चलता है, ठीक ठाक चल जाता है। तो भाई अगर आपको ट्रांसपोर्टर का नंबर अगर चाहिए तो गाड़ी वाले से भी संपर्क कर सकते हैं, और जो अगल बगल मंडी होता है, मंडी के अंदर बहुत सारे ट्रांसपोर्टर बैठते हैं। देखिए धीरे धीरे चलना शुरू करिए, ये मत सोचिए कि ये ट्रांसपोर्टर के पास लॉन्ग भाड़ा नहीं है, इसके पास लोकल भाड़ा है। जब तक आप चलना नहीं शुरू करेंगे ना, हम गाड़ी लिए थे 5 महीना तक हमको कोई भाड़ा देने वाला नहीं था, हम हाथ गोड़ जोड़ के 1000 रुपए का भाड़ा मारते थे, भाड़ा मिलता नहीं था, 1000-2000 रुपए का भाड़ा मिलता था। सुबह मतलब 24 घंटे में सिर्फ 500 रुपए बचा के आते थे घर पे, ठीक है, आज 24 घंटे में 5000 बचा के आते हैं। तो आप सोचिए
दो साल पहले 500 बचा के आते थे, आज 24 घंटा में 5000 बचा के आते हैं। तो क्या एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बनाना पड़ता है धीरे धीरे, तो आप लोग भी कोई भी बनाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कमेंट आने वाला जो सवाल है, आप लोग पूछते हैं कौन सा गाड़ी लेना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा लॉन्ग लें या फिर बोलेरो पिकअप एक्स्ट्रा स्ट्रांग लें। तो भाई आप देखिए अपना अपना पसंद होता है, हमारा एक्स्ट्रा लॉन्ग का पसंद था, मैंने एक्स्ट्रा लॉन्ग ले लिया है। हालांकि जितना हम लोड करते हैं उतना आपको भी लोड करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा लॉन्ग में क्या होता है कि इसका जो आगे का बोनट है थोड़ा छोटा मिल जाता है, और जो एक्स्ट्रा स्ट्रांग होता है उसका ढाला थोड़ा सा छोटा मिलता है और आगे का बोनट थोड़ा सा बड़ा होता है। हमारा जो पर्सनल मानना है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग सही गाड़ी नहीं है भाई, एक्स्ट्रा स्ट्रांग सही है, क्योंकि इसका बोनट काफ़ी बड़ा मिल जाता है। अगर कभी दुर्घटना होता है आपका गाड़ी तो थोड़ा सा आपको सेफ्टी तो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आप लोग ख्याल रखिए, आपको जो मन करे वो लीजिए, ठीक है। मेरा जो ओपिनियन था मैंने आपको बता दिया। एक कमेंट आप लोग का और आता है, भाई गाड़ी का सर्विसिंग कितना किलोमीटर में करवाना चाहिए। तो देखिए इंजन का तो 1,00,000 किलोमीटर गारंटी होता है, 1,00,000 किलोमीटर जब चल जाए आपकी गाड़ी उसके बाद इंजन कंपनी बोलता है 20,000 किलोमीटर सर्विसिंग करवाइए, लेकिन आपको यहाँ पे कंपनी का बात भी नहीं मानना है, आपको उससे भी जल्दी सर्विसिंग करवा देना है। अगर 1,00,000 पार हो गया आपका गाड़ी लॉन्ग चलता है, जो भी बोलेरो पिकअप वगैरह रखा है सबसे ज़्यादा सब सब्जी वगैरह में चलाते हैं हमारा, हम जहाँ तक देखते हैं जितने हमारे मित्र हैं, तो 1,00,000 अगर पार हो जाता है तो आपकी गाड़ी सर्विसिंग आपको करवाना है 15,000 से 16,000 के बीच में, ठीक है। इस बार मैंने 16,000 में सर्विसिंग करवाया है, बहुत ज़्यादा 17,000 पार नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, सब गाइस।